कैसे आप सब लोग। स्क्रिप्टिंग की सक्सेस स्टोरी है। नाम मेंशन करने के लिए इन्होंने मना किया है, इन्होंने ऊपर ही बोला है कि दी आप मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन मेरी सक्सेस स्टोरी कमाल की है और मैं आपको बताना चाहती हूँ। स्क्रिप्टिंग और ग्रैटिट्यूड जर्नल को सिर्फ और सिर्फ इतना ही करने से मेरे लिए सेम वो चीज़ हो गई जो मैंने स्क्रिप्टिंग में लिखी थी। मैं काम करती थी लॉकडाउन के पहले, मैं घर से ही अपना काम करती थी। मेरा काम था टिफ़िन रेडी करके देना और मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। मैं दिन भर के अच्छे खासे 60 to 90, आपने 9 जो है ना वो ऐसे लिखा है कि वो संस्कृत का वन दिखाई दे रहा है। ओके, 60 to 90 होगा क्योंकि 60 to 10 नहीं हो सकता। 60 to 90 टिफिन्स मुझे एक दिन के मिल जाते थे और इस तरीके से मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। मैं सचमुच में बहुत खुश थी, लेकिन लॉकडाउन ने आके सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया। अब वो फेज़ आ गया था जहाँ पर काम भी नहीं और जो पहले के पैसे जमा हुए थे वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगे, क्योंकि लॉकडाउन ही इतना लंबा चला, चीज़ें इतने समय तक बंद रहीं, कब तक क्या करती मैं। और मैं अपनी घर की बैकबोन हूँ, मैं ही हूँ जिसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा घर चलता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बाद में ही अचानक ही आपका चैनल मेरी नज़र के सामने आया, जैसे कि कोई एक मैसेज मेरे सामने भगवान खुद देना ही चाहते हों। और मेरे भोले बाबा ने फाइनली आपके थ्रू वो मैसेज भिजवाया। मैंने स्क्रिप्टिंग करनी शुरू की आपका वीडियो देख करके। मैंने पॉइंट बाय पॉइंट पहले लिखा, उसके बाद में एक कहानी की तरह लिखा कि मुझे एक पूरी फैक्ट्री का ही ऑर्डर मिल गया है और अब तो इतना काम है कि अकेले से नहीं होता है, मेरे घर के सारे ही मेंबर मेरे काम में मेरा हाथ बटाते हैं और मुझे और भी लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी है अपने काम को पूरा करने के लिए। मैं इस तरीके से बहुत लंबी कहानी अपने लिए लिख चुकी थी और मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर भी लिखती थी कि फैक्ट्रियां मुझसे कॉन्टैक्ट करती हैं और वो मुझे ऑर्डर देना चाहते हैं। मेरे खाने की सभी लोग तारीफ करते थे, लेकिन इससे ज़्यादा मेरा काम कभी भी नहीं बढ़ा था। ज़्यादा से ज़्यादा 90 टिफिन्स ही आए थे, 90 टिफिन्स ही आए थे। इस बार क्या हुआ, जब मैंने स्क्रिप्टिंग करके रख दी और अभी भी पूरी चीज़ें खुली नहीं थी, लेकिन कुछ कुछ जगह खुलने शुरू हो गई थी, मैं भूल गई और मैं फिर से काम के लिए लोगों को कॉल करने लगी, कॉन्टैक्ट करने लगी सोशल मीडिया पर। जिससे भी मेरा कॉन्टैक्ट होता था वहाँ पर मैं डालने लगी, लेकिन कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं एक्शन लेती रही और लोगों से जितना भी ज़्यादा हो सकता था कॉन्टैक्ट करते रही। उसके बाद हुआ मैजिक, मेरे ही एरिया के पास में 3 फैक्ट्रीज खुल गईं। वो फैक्ट्रीज लॉकडाउन के पहले खुली हुई थी, लेकिन उनका काम कभी भी मेरे हाथ में नहीं आया था। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि फैक्ट्रीज मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगी और उन्होंने कॉन्टैक्ट किया मुझसे और इसके बाद में मैंने 2 फैक्ट्रीज का काम अपने हाथ में ले लिया। अब मेरे पास में सच में इतना काम है कि मेरी पूरी फैमिली इसी काम में लग चुकी है। इसकी वजह से अब जो मेरी कमाई है वो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, ये तो मैजिक हो चुका है। क्योंकि इस चीज़ की वजह से मैंने जितना कभी ज़िंदगी में नहीं कमाया था और जिस तरीके का एक्सपोज़र मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था वो मैं महसूस करती हूँ। मुझे बॉस लेडी जैसा फील होता है। एग्जैक्टली, वो चीज़ मैंने कर दिखाई जो मैंने अपने स्क्रिप्ट में लिखी थी। तीसरी फैक्ट्री में मैं ले सकती थी, लेकिन उनकी तरफ से पैसे को लेकर के कुछ चीज़ें थी जो क्लियर नहीं हो पा रही थी, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि वो फैक्ट्री भी मेरे ही पास आएगी। एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 240 वर्कर्स हैं, जिसमें से 180 टिफिन हमारे यहाँ से ही जाते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि रात दिन मेरा चूल्हा ही जलता रहता है और टिफिन पे टिफिन ही जाते रहते हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी। भोले बाबा को कितना भी थैंक यू बोलूं उतना कम है कि उस दिन आपका स्क्रिप्टिंग वाला ही वीडियो मेरे सामने आया, मैंने उसे फॉलो किया। ग्रैटिट्यूड, आज भी मैं लिखती हूँ, मैंने अपने हर खाने के बर्तन पर
जिसमें खाना पकता है उसमें थैंक यू लिखा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ब्लेस्ड हूँ कि यूनिवर्स ने, भोले बाबा ने मेरे लिए ऐसा मैजिकल वे निकाला है कि अब मैं पीछे नहीं देखने वाली हूँ। मैं तो इतना बड़ा काम करूँगी कि सब लोग धीरे धीरे करके मुझे और मेरे टिफिन सर्विस को जान जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। क्या बात है, आपकी स्टोरी से मुंह में पानी आ गया। टिफिन देखिए, स्क्रिप्टिंग बहुत ही पावरफुल है। आप फील करके लिखते हैं, आप पहले पॉइंट्स बनाते हैं, फिर आप अपनी कहानी लिखते हैं। ग्रैटिट्यूड अपने आप में बहुत पावरफुल है। ये सारी चीज़ें साथ में, इनकी फीलिंग है ना, साथ में एक्शन, आप एक्शन देखो, टूटने वाले एक्शंस थे ना, कि नहीं हो रहा है, लोग फिर भी काम नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी करते रहे, फिर भी करते रहे, फिर भी करते रहे, लोगों के पास जाते रहे, लोगों से बात करते रहे, लोगों को कॉन्टैक्ट करते रहे, हार नहीं मानी। जब हार नहीं मानी तो वो देख रहा होता है, फिर वो देने के लिए तैयार बैठ जाता है। इसलिए हार नहीं माननी चाहिए आपको, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। 90 से अभी मेरा ध्यान गया 180 टिफिन सिर्फ एक फैक्ट्री के। पहले इनका जो लॉकडाउन से पहले काम चलता था, इनको मैक्सिमम 90 टिफिन आए थे। अब एक फैक्ट्री से इनको 180 टिफिन आते हैं, तो इन्होंने दो फैक्ट्रीज का काम लिया है, दूसरे का इन्होंने लिखा नहीं, लेकिन फिर भी वाव वाव वाव, क्या ग्रोथ है। ईश्वर आपके जो टिफिन की सर्विस है ना, वो ऐसे पहुंचाए और हम भी बोलें कि हमारे पास भी आपका टिफिन आ जाए। सो कंग्रेचुलेशन स्वीट हार्ट, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। आपका लेट गो भी हुआ टफ टाइम में, नेगेटिव सिचुएशन में लेट गो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने उसका इस्तेमाल एक्शन लेने में किया। आप एक्शन लेते रहे, जो मैंने लिखा है लिखा है, जो मैं कर रही हूँ कर रही हूँ, ठीक है वो सब ठीक है, लेकिन उसके साथ मेरे एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्शंस होंगे तभी तो क्लाइंट्स मेरे पास में आएंगे। तो जितने भी लोग बिजनेस करते हैं या बिजनेस आगे चाहते हैं, एक्शन आप लेते रहिए, लेकिन आपने जिस भी चीज़ के ऊपर मैनिफेस्ट किया है, आपकी विश है, उस विश को माइंड में से निकाल दीजिए, लेकिन उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। एक्शन लेना और विश को माइंड में रखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस तरह से आपका लेट गो भी हो जाता है और आपके एक्शन भी हो जाते हैं और आप रिसीव भी कर लेते हैं। अपना मन रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, तक अट्रैक्ट ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।